बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सऊदी अरब के कब्रिस्तान में ऐसा मुजजा हुआ जिसने पूरी अरब दुनिया को हिलाकर रख दिया। मुजजा देखकर हर आंख अश्कबार हो गई, हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। अल्लाह ताला ने दुनिया को बता दिया, मैं वाहद हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं। मैं अगर किसी इंसान को मारना चाहूँ तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर बचाना चाहूँ तो कोई मार नहीं सकता। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर कसीम के एक गांव में तमाम लोग इकट्ठे होकर इमाम साहब के पास पहुंच गए। अर्ज करने लगे, इमाम साहब, साल हो गया, अभी तक बारिश नहीं हुई, जानवर भी भूखे हैं, पानी ना होने की वजह से जानवर मर रहे हैं, फसलें भी तबाह होती जा रही हैं, आप अल्लाह से रहमत की दुआ करें। इमाम साहब ने कहा, मस्जिद के सामने एक दुकानदार है, उसे दुआ करवाओ, अल्लाह रहमत की बारिश का नजूल कर देगा। सारे लोग उसको जानते थे, वो कोई अच्छा आदमी न था। सारे लोग इकट्ठे होकर उसके पास गए और कहने लगे, मोहम्मद, बारिश के लिए दुआ कर दो। उसने कहा, मैं किस तरह दुआ कर सकता हूँ, मैं गुनाहगार इंसान हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए मेरे पास आए हो, तुम मस्जिद के इमाम के पास जाओ, वहाँ से दुआ करवाओ। लोग कहने लगे, इमाम साहब ने हमें आपके पास भेजा है। चनाचा उनके इसरार पर इस जवान ने हाथ उठाए, कहने लगा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदे आए हैं और तेरे फलां नेक बंदे ने भेजे हैं, तू देने वाला है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं, तू गफूर है, तू माफ करने वाला है, इन पर रहमत की बारिश नाजल फरमा दे। लोग कहने लगे, बारिश के कोई मकानात ना थे, मगर उसी वक्त बादल आए, बारिश शुरू हो गई। फिर यही लोग दोबारा इमाम साहब के पास गए, कहने लगे, इमाम साहब, ये तो हमारे साथ नमाज पढ़ता है, हमारे साथ ही खेलकर जवान हुआ, इस नौजवान की दुआ अल्लाह के यहाँ इस कदर मकबूल क्यों है? इमाम साहब रोने लगे और फरमाने लगे, ये अपनी माँ का फरमा बरदार है, इस नौजवान को 20 साल हो गए मेरे सामने दुकानदारी करते हुए, ये गरीब का गरीब है, मगर इसने हमेशा सच बोला, इसने कभी नाप तोल में कमी नहीं की, इसने कभी अल्लाह के बंदों को लूटा नहीं। जो 20 साल रब की बात माने, अल्लाह उसकी बात को किस तरह टाल सकता है? ख़वातीनो हज़रात, अब हम उस वीडियो का जिक्र करते हैं जिसका मुजज़ा सऊदी अरब के कब्रिस्तान में हुआ। अगर आपको अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। सऊदी अरब में जब माँ के बेटे को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे तो उसका बेटा जिंदा हो गया। माँ बेटे को जिंदा देकर तड़प उठी। Oh,